हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज जो है आपकी डेट हो गई है 13, और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। मैं ऑफिशियल साइट खोल के बैठा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा। मैं इनका नोटिस बोर्ड ही एग्जैक्टली खोल देता हूँ कि क्या क्या नोटिसेज हैं, कुछ नोटिस में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कल वाला जो था आपका NTA डिक्लेयर JEE मेन, वहीं पे भी अटका हुआ, उसके आगे ये नहीं पढ़ा है। यानी ऑफिशियल तौर पे इनके साइट पे कुछ अपडेट नहीं हुआ, लेकिन एक जगह इन्होंने चेंज किया। वहाँ पे चेंज कहाँ पे किया, जो स्टूडेंट इनको मेल कर रहे थे रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, उसके रिप्लाई में चेंज हुआ। तो वो चेंज भी हम देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर मेरे पास कुछ रिप्लाईज स्टूडेंट से पढ़े जिन्होंने मुझे सेंड किया कि क्या मैसेजेस अब आ रहे हैं उनको। तो यहाँ आप देख सकते हो, डियर कैंडिडेट, वी विल नोटिफाई यू ऑल रिगार्डिंग द डिवाइस डेट्स फॉर द एग्जाम शॉर्टली टीम NTA। तो बेसिकली NTA ने यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि वो शॉर्टली जो है रिवाइज डेट बताएंगे एग्ज़ाम की। ये NTA का स्टैंड है आज का। कल तक NTA ये बात नहीं बोल रहा था, वो कहता था जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑफिशियली आपको दे दी जाएगी। तो बेसिकली अभी तक का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उससे एक बात साबित होती है, जो मोसिना क्लासेस का स्टैंड था फर्स्ट डे से कि एग्ज़ाम 16 को नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके पीछे बहुत ही वैलिड रीज़न था कि सेकेंड ईयर PG के एग्ज़ाम चल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू था। इसकी वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना था, जो पोस्टपोन हो रहा है आपका, जो बिल्कुल दिख रहा है। अब मान के चलिए 99% एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो ही रहा है, और बहुत जल्दी शॉर्टली वो आपको वो नोटिफाई भी कर देंगे ऑफिशियल साइट पे। इसके बाद जो इनका दूसरा वाला जो डिटेल में था मेरे पास, जो स्टूडेंट ने भेजा था बेसिकली, तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया है कि कैंडिडेट वरीड ना हो और एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हो रहा है। इन्होंने ये वाली लाइन जो है ये उन्होंने न्यू जोड़ी है, वी विल नोटिफाई यू ऑल रिगार्डिंग द रिवाइज डेट्स फॉर द एग्ज़ाम शॉर्टली, डोंट वरी अबाउट द सेम, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल रिगार्डिंग एग्जाम एंड रिवाइज शेड्यूल टाइमली। तो रिवाइज शेड्यूल जो है वो टाइमली आपको दे दिया जाएगा, और इन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन पहले दे दिया जाएगा। यानी हम मान के चलें कि 10 डेज मिनिमम पकड़ते हैं, तो आज 13 हो गए, यानी कल 14। तो यानी वो मैक्स टू मैक्स एग्ज़ाम स्टार्ट कब करेंगे, 25 से करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो मुझे तो खैर 25 से भी एग्ज़ाम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट हाँ हो भी सकता है। ये मुझे जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है वो सितंबर लास्ट में जाएगा या अक्टूबर स्टार्ट में जाएगा, यही जो मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन आगे क्या होगा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल, हो सकता है एग्ज़ाम चला जाए CSIR के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी एक है। लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है मैक्स टू मैक्स जो है 25 से स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी कंडीशन दिख रही है बिल्कुल आपके सामने है सब चीज़ें, मैंने क्रॉस चेक किया, डिफरेंट सोर्सेज से चेक किया, बहुत सारे मैंने जो है फ़ोन्स किए, लोगों से पूछा, जो स्टूडेंट्स थे सबका यही है सर, यही रिप्लाई आ रहा है। तो मैं जब कंफर्म हुआ, इसलिए मैं आप देख लो बहुत सारे चैनल्स ने ये सब पोस्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको 736 पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको क्रॉस चेक किया पहले, क्योंकि कोई भी इन्फो देने के पहले ज़रूरी है कि आप क्रॉस चेक कर लें उस इन्फो को। तो ये सारी अभी तक की डेवलपमेंट है। तो उम्मीद आप यही रख सकते हैं कि कल जो है आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो भी एग्ज़ाम रीशफल होगा, रीशेड्यूल होगा, न्यू डेट होगी, वो सब कुछ आपको कल मिल जाएगा। अभी की यही खबर है, और उम्मीद है कि अब आपके आपका टेंशन कुछ कम हो गया होगा। गुड नाइट, टेक केयर।